हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज मौर्य है और दोस्तों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे मेरा चैनल डेड हो रहा है धीरे धीरे। जो मैंने अपने चैनल पर गलतियाँ किया हूँ, आप लोग शुरुआत में देखे होंगे कि मेरे चैनल पर व्यूज आता था और इस टाइम पे मेरे चैनल पर जो है व्यूज नहीं आ रहा है। अगर आप लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने इसमें क्लिक किया है तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैंने जो अपनी चैनल पर गलतियां किया हूं मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मैं जानता हूं ये वीडियो किसी ज्यादा लोगों पास YouTube भेजेगा नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास ये वीडियो भेजेगा उनके लिए नॉलेजेबल होने वाली, क्योंकि दोस्तों जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर और ये चैनल मेरा धीरे धीरे अपडेट हो रहा है और इस पे व्यूज आना बंद हो रहा है। अब YouTube इसको आगे क्यों नहीं भेज रहा है, मैं आप लोगों को ही बताने वाला हूँ जो अपने चैनल पर गलतियां करता था। बेसिकली मैंने 5 गलतियां अपने चैनल पर किया हूँ जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, और आप लोग भी सीख जाएंगे कि हम लोग अपने चैनल पर क्या क्या गलतियां नहीं करना है। और जो मैंने गलतियां किया हूँ मुझे पता नहीं था जब मैं YouTube पर आया था, मैं ऐसे ही वीडियो को अपलोड करना चालू कर दिया था और मुझे कुछ पता नहीं था क्या कॉन्सेप्ट होता है YouTube का और कौन सी वीडियो अपलोड करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए और क्या किस चीज समझ के करना चाहिए, मुझे इस सब चीजों कुछ नॉलेज नहीं था। मैं YouTube पर सिर्फ डायरेक्ट आया और वीडियो अपलोड किया और वहाँ पे मेरी वीडियो चलने में लगी थी, लेकिन बीच में मैंने कुछ गलतियां कर दी थी जो आज के टाइम पे आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पूरी तरह से डेड हो रहा है और आप लोग देख भी सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जो चैनल मेरा डेड हो रहा है किस कारण हो रहा है, मैं अभी आप लोग पूरा वो डिटेल्स बताने वाला हूँ। जो 5 गलतियां मैंने की है अपने चैनल पर मैं वही आप लोग बताऊंगा और आप लोग अपने चैनल पर ये गलतियां नहीं करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल डेड हो ही रहा है लेकिन दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो गलतियां हूँ उसको सुधार रहा हूँ धीरे धीरे और क्या पता है जो मेरा चैनल है अब धीरे धीरे ग्रो करने लगे, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर समय न लेते हुए मैं आप लोगों को जो 5 गलतियां मैंने किया हूँ खुद के चैनल पर जो गलतियां किया हूँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप लोग अपने चैनल पर नहीं करना है। दोस्तों मैंने जो अपने चैनल पर पहली गलती किया था वो मैंने पूरा यहाँ पे लिख कर रख लिया हूँ कि मैं भूलू ना और आप लोगों को बता दूंगा। जो मेरी गलती नंबर पहली होती है कि कंटेंट पर फोकस नहीं करता हूँ। हाँ बात सही है, मैंने जैसे आप लोग जानते होंगे जो मेरा चैनल है, पहले जो चैनल मेरा था ये ब्लॉग का चैनल था, लेकिन आज के टाइम पर जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ कुछ टेक की वीडियो डाल रहा हूँ, यही मैंने अपने कंटेंट में गलती किया हूँ कि अपने कंटेंट में मैंने फोकस नहीं किया हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने भी मेरे इसमें सब्सक्राइबर हैं वो सारे सब्सक्राइबर मेरे ब्लॉग देखने वाले हैं, आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग मुझे शुरुआत से अगर फॉलो करते होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर इसमें हैं वो ब्लॉग के हैं। अब मैं वीडियो डालता हूँ टेक की तो मेरे जो व्यूवर्स हैं जो मैंने सब्सक्राइब किए हैं उनके तक मेरी वीडियो जाती है, ये नहीं यूट्यूब मेरा वीडियो भेजता नहीं, यूट्यूब मेरी वीडियो भेज रहा है लेकिन जो सब्सक्राइब किए हैं लगभग जो 4,500 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों के पास मेरी वीडियो भेजता है, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है वो ब्लॉग देखने वाली है, टेक की वीडियो देखती नहीं, इसीलिए यहाँ पर मेरे जो व्यूज डाउन है सबसे बड़ा यही कारण है कि जो मेरे ऑडियंस है वो ब्लॉग की ऑडियंस है और मैं वीडियो डालता हूँ टेक की, इसीलिए मेरे यहाँ पे व्यूज नहीं आ रहा और धीरे धीरे मेरा चैनल डेड हो रहा है। अब जब मैं अपनी वीडियो टेक की बनाता हूँ लगातार मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ और यूट्यूब भी मेरी वीडियो को लगातार रिकमेंड कर रहा है दूसरे लोगों को, तो वहाँ पर लोग मेरी वीडियो देख नहीं रहे, यूट्यूब क्या समझेगा, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ समझाना नहीं आता है और मेरा चैनल धीरे धीरे ऐसे को डाउन करने लगता है। सबसे बड़ी मेरी गलती यही है जो मैंने अपने कंटेंट को चेंज कर दिया हूँ और जो ब्लॉग था मैं उसको टेक का बना दिया हूँ। सबसे पहले नंबर हमारी एक गलती ये हो जाती है जो आप लोगों को अपने चैनल पर नहीं करना है। आप लोग जिस कंटेंट पर काम कर रहे हैं आप लोगों को उसी कंटेंट पर लगातार काम करते रहना है। अब यहाँ पर दूसरी नंबर मेरी गलती आ जाती है जो मैंने वो भी गलतियाँ किया हूँ, कई सारी मैंने गलतियाँ किया हूँ कि बिग यूट्यूबर से चैनल प्रमोट कराना। हाँ दोस्तों, शुरुआती दिनों में मैंने भी ऐसे कुछ गलतियाँ किया हूँ, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं जो कहते हैं कम्युनिटी पोस्ट कर दो, तो उन लोगों को मैंने थोड़ा सा पैसा दिया था, लगभग मैंने 500 रुपया पे किया था और उन्होंने मेरे चैनल को कम्युनिटी में डाल दिया था। कम्युनिटी में डालने के बाद वहां से पूरा मेरे जो थोड़े सब्सक्राइबर थे 4,000 सब्सक्राइबर इसमें मिले हैं, लगभग उसमें से मुझे 50-60 सब्सक्राइबर वहां से मिल गए थे, जो वो भी मेरी गलती थी क्योंकि जो मैंने अपने सब्सक्राइबर को बढ़वाया था वो एक गेमिंग चैनल था और वहां से मुझे लोग सब्सक्राइब किए थे। अब जो वहाँ पे लोग सब्सक्राइब किया था गेमिंग चैनल सब्सक्राइब किया था
अब मैं डालता हूँ वीडियो, टेक्स्ट वीडियो डालता हूँ, तो गेमिंग वीडियो देखने वाली मेरी वीडियो कहाँ से देखेंगे। मैंने अभी आप लोग पीछे भी बताया हूँ कि जो ऑडियंस आपकी होती है, आप लोग जो पक्के ऑडियंस होते हैं जो आपकी वीडियो देखती है, आप सिर्फ उन्हीं को अपने चैनल को शेयर करना चाहिए या उन्हीं लोगों को आपका चैनल को सब्सक्राइब करवाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये भी गलतियाँ किया हूँ कि जो गेमिंग के मेरे सब्सक्राइबर थे वो मेरे पास है, क्योंकि मैं गेम तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, अब जो मेरी वीडियो बनाता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो लोग मेरी वीडियो देखते नहीं। ये भी मेरी एक गलती हो जाती है दूसरे नंबर की, जो मैंने अपने सब्सक्राइबर को बढ़वाया हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है इन रेगुलर वर्क, तीसरे नंबर का दोस्तों जो गलती हो जाती है इन रेगुलर वर्क। अगर आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग मुझे शुरुआत से फॉलो करते होंगे, जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाला था, पहली वीडियो डालने के बाद मैंने उसमें लगभग 2 महीने का मैंने गैप दे दिया था, अपनी वीडियो को रेगुलर मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। तो ये भी मेरी गलती हो जाती है क्योंकि मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा था, लगभग मैंने 2 महीने खुद पे अपने चैनल पर गैप दे दिया था और यूट्यूब ने मेरा पूरी तरह से इंप्रेशन भी डाउन कर दिया था। ये भी मेरे तीसरे नंबर की गलती हो जाती है जो आप लोगों को नहीं करना है। अब यहाँ पे दोस्तों चौथे नंबर की हमारी गलती हो जाती है नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। मैं जो नया यूट्यूबर था, जब मैं पहली पहली बार वीडियो बना रहा था, कुछ मुझे कोई समझ नहीं था यूट्यूब के बारे में और कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, इसीलिए मैं टेक कैटेगरी में उतर गया, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि जब हम लोग चैनल की कैटेगरी बदलते हैं, यूट्यूब जो हम लोग का इंप्रेशन होता है वो डाउन कर देता है। मुझे कुछ ये पता नहीं था, मैं डायरेक्ट ब्लॉग से और टेक के चैनल पे आ गया, क्योंकि मुझे ब्लॉग में ज्यादा पसंद नहीं था और जो मैं टेक की वीडियो बनाना ज्यादा पसंद था, क्योंकि मुझे उसमें काफी ज्यादा नॉलेज हो गया था, लेकिन मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। अब धीरे धीरे मुझे लगातार ऐसे काम कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है मेरा चैनल डेड क्यों हो रहा है, तो मैंने यही सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि मेरा चैनल डेड होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। जो मैं अभी आप लोग बता रहा हूँ वही कारण है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। चौथे नंबर का कोई कॉन्सेप्ट में कोई वर्क नहीं करता था, जो मुझे मिला वो बना दिया। अब आप लोग देखेंगे पीछे मैं कभी कभी ब्लॉग बना देता था, कभी कभी टेक वीडियो बना देता था, कभी कभी गेमिंग बना देता था, मतलब जो मेरी चैनल है पूरा मिक्सिंग का चैनल हो गया था। इसीलिए मेरा चैनल जो है आगे यूट्यूब बूस्ट नहीं कर रहा है, तो यूट्यूब मेरे वीडियो को जो रिकमेंड करता है दूसरों लोगों को, तो वहाँ पे जैसे मैं टेक वीडियो बना रहा हूँ और रिकमेंड कर रहा है ब्लॉग वाले को और रिकमेंड कर रहा है गेमिंग वाले को, कहाँ से वो मेरी वीडियो देखेंगे। इसलिए यहाँ पे मेरा चैनल धीरे धीरे डेड हो रहा है और यही कारण है जो डेड होने का है। और जो पांचवे नंबर हमारी जो गलती हो जाती है कॉपी टाइटल बिग यूट्यूबर, जो मैं कोई भी वीडियो बनाता था और उसका कॉपी कर लेता टाइटल कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ एकदम सच बता रहा हूँ, कोई मैं छिपा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो मैं इसमें नया था मुझे कुछ नहीं पता था। मैं दूसरे यूट्यूबर को खोलता था, उनकी वीडियो देखता था और उनकी वीडियो जो पॉपुलर वीडियो होता था उन्हीं की वीडियो देखकर उनके टाइटल कॉपी कर लेता था। वीडियो किसी और कॉन्सेप्ट पे और टाइटल किसी और कॉन्सेप्ट पे, मैं टाइटल दूसरा और वीडियो बना रहा हूँ दूसरा। यही सब गलतियां थी जो मैं अपने चैनल पर करता था और मेरा चैनल आज टाइम पे देख रहे हैं धीरे धीरे डेड हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पे मैं ऐसी कोई भी गलतियां नहीं कर रहा। जो 5 गलतियां मैंने अभी आप लोगों को बताया हूँ, इसमें तो मैंने एक गलती भी अब नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे जो पिछले मुकाबला जो मैं वीडियो डालता था उससे अब थोड़ा व्यूज इंक्रीज होने लगा, मतलब यूट्यूब समझ रहा है कि मैं किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरी वीडियो जो टेक वीडियो मैं इसे बना रहा हूँ, जो टेक वीडियो देखते उन्हीं तक मेरी वीडियो अब यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है। अब इसी तरह अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा और आप लोगों की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो ही गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ खबरी में बता देता हूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट भी आने वाला है कुछ दिनों में और वो वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। आशा दोस्तों आज लोग जो मैंने आज आप सब लोगों को जो मैंने 5 गलतियां किया था जो मेरा चैनल धीरे धीरे डेड हो रहा है, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग ये 5 गलतियां नहीं करना है। अगर आप ये 5 गलतियां करते हैं तो धीरे धीरे आप लोगों का भी चैनल डेड होने लगेगा, फिर आप लोग भी परेशान होने लगे जिस तरह मैं परेशान हो रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोग ये गलतियां नहीं करना है। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आप सब लोगों को कोई एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।